हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा क्लास टेंथ का दूसरा पार्ट है जो मेरा प्रश्नावली है 8.1 त्रिकोणमिति का। तो मेरा सेकंड वीडियो है, तो चलिए हम क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इसमें हम एक से लेकर चार तक हम बना दिए हुए हैं और उसमें कुछ बेसिक भी बताए हुए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ से मेरा पाँचवा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। प्रश्नावली है 8.1, यहाँ पर हम लिख देते हैं 8.1। यहाँ से मेरा एक से लेकर चार तक हम क्वेश्चन को बना दिए हैं और मेरा यहाँ पे पाँचवा नंबर क्वेश्चन होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा दिया हुआ है, कहता है कि और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, इसे हम पहले वाले वीडियो में बना दिए हैं। और तो यहाँ पर सेक थीटा दिया हुआ है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन ये दिया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर है 13/12, तो यहाँ पे सेक थीटा के फार्मूला क्या होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है। तो कॉस के फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसका सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ऐसे नहीं याद है तो आप लोग लाल कलर पर देख सकते हैं, जैसे कि एल ए एल और के ए है, और ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस। तो कॉस का तो उल्टा सेक होता है, तो सेक क्या है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार हो गया, यानी कि कर्ण मेरा 13 है और आधार 12 है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ के हम फोटो एक बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी और सी। और इसमें देखिए हमको एंगल दिया हुआ नहीं, एंगल थीटा है, तो हम किसी भी कोण को थीटा मान लेंगे, बी को छोड़ के, क्योंकि 90 डिग्री वाले कोण को है ना, इसको छोड़ कर ए और सी किसी को हम थीटा मान लेंगे। चलिए हम इसको थीटा मान लेते हैं, कोण ए को, कोण ए मेरा थीटा हो गया। तो थीटा के सामने का भुजा क्या होता है, लंब। इसे हम पहले बता दिए हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा वीडियो को। तो थीटा के सामने का भुजा लंब हो गया, तो इसमें तो लंब है नहीं, ये लंब हो गया। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण कितना है, कर्ण 13 है, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार कितना है 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। तो हमें निकालना क्या है, दो भुजा मालूम है तो तीसरा भुजा निकल जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे हम तीसरा भुजा क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे कि हमको आधार निकालना है, तो डायरेक्ट हम यहाँ आधार लिख देते हैं, और इधर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर रूट आ जाएगा। और आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब घटेगा, यहाँ पे लिखेंगे कर्ण कितना है 13, तो 13 के स्क्वायर और माइनस लंब है 12, तो 12 के स्क्वायर, ये हो गया। 13 के स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 के 144, ये हो गया। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से 4 घटेगा 5, और 6 में से 4 घटेगा 2, 25 हो गया। तो 25 के वर्गमूल यानी कि 5×5 इसे गुणनखंड, और जोड़ा में से एक बाहर निकलेगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि आधार BC हो गया, BC मेरा निकल कर आ गया 5 सेंटीमीटर, और त्रिभुज के तीनों भुजा हमको मालूम हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे क्या, जब तीनों भुजा मालूम हो जाता है तो क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या कहता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हो गया। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, 5 निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन निकाल लेते हैं, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम शॉर्टकट में लिख देते हैं L/K, और थीटा है तो थीटा के सामने का भुजा लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, तो 5/13, ये आंसर क्या आ गया, 5/13। और साइन के बाद हम कोस निकालेंगे, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, जैसे कि हम बता दिए आधार बटे कर्ण, तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, आधार बटे कर्ण, तो 12/13, ये आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते आधार बटे कर्ण, और ये हो जाएगा 12/13, एक आंसर ए निकल कर आ गया है, और ये भी मेरा आंसर है। और साइन कॉस और टेन हम निकालते हैं, तो टेन थीटा में क्या हो जाएगा, तो
तो टेन थीटा में कर्न नहीं होता है, टेन थीटा में कर्न होता नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये हो गया साइन कोस ए टेन, तो टेन क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, एल बटे ए, तो थीटा के सामने की भुजा लंब और ये आधार हो गया, यानी कि 5/12। कहीं आपको डाउट होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए, और साइन है, और यहाँ पे कोसेक निकालेंगे, तो कोसेक तो साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, इसका उलट दीजिए और इसका भी उलट देंगे, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, के बटे ए हो जाएगा, और इसका भी उलट देंगे तो 13/5 हो जाएगा, एक मेरा आंसर आ गया। और सेक तो यहाँ पे है, तो सेक तो नहीं निकालेंगे, तो सेक हम छोड़ देंगे। अब कोट, हम टेन का उल्टा कोट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोट, कोट थीटा, तो टेन का उलट दीजिए, एक कोट हो जाएगा, यानी कि इसको हम उलट देते हैं, आधार बटे लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आधार बटे लंब, और इसको पलट देंगे तो 12/5 ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी तो इसे भी आप देख सकते हैं, कोट थीटा के आधार बटे लंब है, थीटा के सामने की भुजा लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार बटे लंब यानी कि 12/5, 12/5 है, सेम टू सेम, यानी कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में मेरा 5 निकल गया है, और मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम आगे चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर, इसको हम मिटा देते हैं। और इसमें मेन फार्मूला होता है, आपको फार्मूला याद रखना है, और इसका ट्रिक है लाल कका, लाल कका पर ये मेरा 6 फार्मूला तैयार हो जाता है। एल से लंब, के से कर्ण और ए से आधार। चलिए हम आगे मेरा क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन है मेरा, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण हम जानते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, और जहाँ कोस ए बराबर कोस बी है, यहाँ पे क्या है, कोस ए बराबर कोस बी, ए है और ए और बी न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ डेट यहाँ पे लिख देते हैं, पी आर ओ वी ई, प्रूफ डेट कोन ए बराबर कोन बी, ये हमको साबित करना है कि दोनों को आपस में बराबर है। यहाँ पे सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज हो गया, और यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज हो गया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ से हल लिखते हैं, कोस ए बराबर कोस बी। एक बार हमें एंगल ए लेना है, ए लेकर बनाना है, और एक बार हमें एंगल बी लेकर बनाना है, बी मेरा न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी और यहाँ पे हो जाएगा बी, क्योंकि ए और बी न्यून कोण है, एक बार एंगल हमें ए लेकर बनाना है, ये हो गया। तो हम कोस थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार बटे कर्ण, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और फिर यहाँ पे कोस थीटा में हम लिख देंगे आधार बटे कर्ण, ये हो गया। और मेरा एंगल थीटा मेरा ए से, ए एंगल से हमें बनाना है, तो थीटा के सामने का भुजा लंब हो गया, और ये आधार हो गया, कर्ण है, तो आधार कितना है ए सी, और कर्ण है ए बी, तो ए सी बटे ए बी हो जाएगा, ए सी बटे ए बी बराबर कोस थीटा, यानी कि थीटा में बी लेना है, बी एंगल से बनाना है, तो ए थीटा हम लेंगे तो इसके सामने की भुजा तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो गया, तो आधार बटे कर्ण, यानी कि बी सी बटे ए बी, यहाँ पर लिख देंगे बी सी बटे ए बी, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए, ए बी से भी मेरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए सी बराबर बी सी, ये दोनों भुजा आपस में यहाँ पे बराबर है, यानी कि ए सी, ए सी और बी सी दोनों आपस में बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। तो हमको एक ऊपर में है थ्योरी कि यदि किसी त्रिभुज में संगत भुजा बराबर है तो संगत कोण भी बराबर होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, बराबर हो तो संगत भुजा, यहाँ पे लिखते हैं संगत भुजा, यदि किसी त्रिभुज में संगत भुजा बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी
बराबर होते हैं। ए हो गया, तो लिखेंगे जैसे ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ए सी और बी सी, ए और ए बराबर है, तो इसके ये भुजा के सामने कोण ए और ये भुजा के सामने कोण ए, दोनों आपस में बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं अतः कोण ए बराबर कोण बी, अतः कोण ए बराबर कोण बी, ये मेरा प्रूव हो गया। ई आर ओ वी ई डी, एक क्वेश्चन हो गया मेरा। तो चलिए हम आगे, मेरा क्वेश्चन है सातवां नंबर, तो सातवां नंबर क्वेश्चन के चलेंगे, इसको हम साफ कर देते हैं। और इसको आपको एक कॉपी में नोट्स बनाना है अच्छा से और रिवीजिंग करना है ताकि आपको सही रहेगा परीक्षा के लिए, प्रैक्टिस के लिए। आगे मेरा क्वेश्चन है सातवां नंबर, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, ये क्वेश्चन है। तो मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + sin θ और 1 - sin θ। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिखते हैं, ये आप लोग गणित में देख लीजिएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन मेरे यहाँ पे दिया क्या है, दिया है कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 7/8 ये दिया हुआ है। तो कोट थीटा क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, टेन को उल्टा कोट होता है, तो टेन को होता है लंब बटे आधार, तो कोट को हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि कोट थीटा को हो जाएगा आधार बटे लंब। यहाँ पे देखिए कोट और टेन में कर्ण आता ही नहीं है, कोट और टेन में कर्ण का चर्चा नहीं है। तो यहाँ पे मेरा आधार हो गया 7 और लंब कितना हो गया 8, ये आधार है 7। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज ए बी और सी, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो आप किसी दोनों में से किसी कोण को आप थीटा मान सकते हैं। चलिए हम इसको मान लेते हैं थीटा, ये हो गया। तो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आधार कितना, थीटा के सामने का भुजा लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार कितना 7, ये 7 हो गया, और लंब कितना 8, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। और हमें कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर, इधर से हम स्क्वायर हटा दिए हैं, तो जब भी इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट बन जाएगा, यानी कि रूट आ जाएगा। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण में दोनों आपस में जुट जाता है, लंब और आधार दोनों में जुट जाता है, दोनों जुट जाता है आपस में, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर यानी कि 7 प्लस 8। ये हो गया। तो 7 कितना होगा, 7 होता 49 और 8 64, ये हो गया। और 9 4 13 13 हासिल 1 और 6 4 10 1 11, यानी कि 113 रूट अंडर आ गया। तो 113 के तो वर्गमूल पूरा परफेक्ट नहीं निकलता है, तो इसलिए मेरा ये रूट में ही रह जाएगा 113, तो कर्ण हो गया 113। तब हम प्रश्न से लिखेंगे, यहाँ पे मेरा प्रश्न क्या है, प्रश्न से पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन हम लिखते हैं 1 + sin θ, क्वेश्चन है मेरा 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ बटे 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला, सातवां के पहला नंबर है। एक मेरे यहाँ पे फार्मूला है a + b × a - b, फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b, ये मेरा फार्मूला होता है a² - b², तो इसी फार्मूला पर हम इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं a², तो 1² होता है -b², यानी कि sin θ² हम लगा देते हैं, ये हो गया। फिर वही है a + b × a - b, तो a² 1² - b², यानी कि cos θ के हम स्क्वायर लगा देते हैं, ये हो गया। अब फिर यहाँ पे हम लिखते हैं इस साइड, चलिए यहाँ पे हम एक स्टेप लिख देते हैं, 1 - sin θ क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यहाँ पे आप देख सकते हैं लंब बटे कर्ण, तो sin θ ये लंब हो गया और ये हो गया कर्ण, यानी कि 8/√√113 8/√√113 बटे
स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर डालेंगे पूरा, और वन माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार बटे कर्ण, तो थीटा के सामने का बुझा लॉन्ग, तो हो जाएगा आधार, आधार बटे कर्ण, तो होगा 7/√113। और स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब हम इस साइड देखेंगे, इस साइड यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे वन के वन लिखेंगे, माइनस 8 के स्क्वायर कितना होगा 64, और बटे और √113 के, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा 113, और बटे और वन माइनस 7 के स्क्वायर 49, और सीधे हो जाएगा 113 क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। और इसको हम बटे पर के हम घटाव करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम बटे पर के घटाव करेंगे, बटे कुछ नहीं तो हम एक यहाँ पे लिख दिए हैं, और यहाँ लघुतम लेंगे एक और 113 के लघुतम कितना हो जाएगा 113, तो यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे, फिर लघुतम हो जाएगा 113, तो हो जाएगा 113 माइनस 49, ये हो गया। इनको ये साइड देखते हैं, और 113 में से हम 64 को घटाएंगे तो 13 में से 4 घटेगा 9, और ये कितना हो गया 0 10, 10 में से 6 घटेगा 4 यानी कि 49, और 113 से हम 113 काट देते हैं, और फिर इसको घटाएंगे 13 में से 9 घटेगा 4 और ये हो जाएगा 6 यानी कि 49/64 एक मेरा आंसर आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन को हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, ये इसका मान निकलना है हमें दूसरा क्वेश्चन में। तो कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, तो टेन का क्या होता है लंब बटे आधार, तो कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब, यहाँ पे लिखेंगे कोट थीटा बराबर, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं आधार बटे लंब, ये हो गया स्क्वायर है तो हम पूरे में स्क्वायर दे देंगे। थीटा के सामने के भुजा लंब होता है, थीटा है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार बटे लंब यानी कि 7/8, 7/8 स्क्वायर लगा देंगे, तो 7 के स्क्वायर 49 और 8 के 64, ये मेरा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स ये मेरा सातवां नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे, चलिए हम इसको हम मिटा देते हैं, और 7 के बाद मेरा क्वेश्चन है आठवां नंबर, ये मेरा 8 है। अब लास्ट ही क्वेश्चन बताते हैं क्योंकि वीडियो ऐसे लंबा हो जाएगा जो देखने में सही नहीं रहता है, छोटा छोटा वीडियो रहेगा तब लोगों को सही रहेगा पढ़ने में। एक और क्वेश्चन हम आठवां नंबर बनाते हैं, इसके बाद मेरा 8 से ऊपर रहेगा तीसरा वीडियो में, जो लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आगे मेरा क्वेश्चन है 8 नंबर, कहता है यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a / 1 + tan² a = cos² a - sin² a है या नहीं, यानी कि दोनों LHS और RHS बराबर है या नहीं, ये हमको जांच करना है। तो चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिखते हैं। क्वेश्चन है 3 cot a = 4 है, तो हम सबसे पहले इसी को हम सॉल्व करते हैं। कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 4, और गुना में 3 है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 3, तो कोट थीटा क्या होता है, फार्मूला नहीं जानते हैं, देखिए साइन कोस टेन, टेन पर तो आ गया तो टेन को उल्टा कोट होता है, तो नीचे से ऊपर कर दीजिए ये कोट हो जाएगा आधार बटे लंब, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे लंब, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3, तो हमें कर्ण निकालना है क्योंकि आधार और लंब दिया हुआ, तो कर्ण ही निकालना है, तो कर्ण निकालेंगे, फोटो बना देते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है, एंगल ए को हमें थीटा माने, यहाँ पे दर्शा दिया है, इसी एंगल को लेकर हमें सवाल बनाना है। थीटा के सामने के भुजा लंब, तो लंब कितना है, लंब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और आधार 4 है तो ये भुजा आधार है, और कर्ण की जगह तो फिक्स रहता है तो कर्ण हम निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर जब भी इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, हम इधर से हटा देते हैं रूट लगा देते हैं, तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, चार के स्क्वायर 16 होगा और तीन के स्क्वायर 9, तो 16 9 25 हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो यानी कि कर्ण AC आ गया, यानी कि AC भुजा मेरा 5 सेंटीमीटर ये निकल कर आ गया। तो हमें क्या कहता है क्वेश्चन में कि LHS और RHS आपस में बराबर है या नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्न से वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, सेम टू सेम सारे के सारे हैं, बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जांच करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, तो देखने से तो हमको पता नहीं चलता कि बराबर है या नहीं, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं वन माइनस टेन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटे ये थीटा के सामने की बजाय लंब, और ये आधार हो गया तो 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 3/4, और स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके मान में हम स्क्वायर लगा देंगे, बटे 1 प्लस टेन थीटा, तो सेम टू सेम है तो हम लिख देते 3/4, ये हो गया। अब यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो इसके सारे मान में हम स्क्वायर देंगे, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आधार बटे कर्ण, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, ये हो गया आधार और ये कर्ण। जब ये थीटा यहाँ पे रहेगा तो आपको समझ में आना जाना चाहिए कि ये लंब है और ये आधार एक कर्ण है, डायरेक्ट आपको हिट करना है, तो ये हो गया आधार बटे लंब हो जाएगा, तो ये थीटा के लंब हो गया, तो ये आधार और ये लंब कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण सॉरी, तो 4/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया और एक कर्ण हो गया, तो 3/5, और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, तो 1 - 3 के स्क्वायर 9 और 4 के 16/1 + 9/16 ये हो गया, बराबर 4 के स्क्वायर 16/25 - 3 के स्क्वायर 9/25 हो गया। उसको फिर यहाँ पे बटा पर के हम घटाव करेंगे और यहाँ पे बटा पर के जोड़ करेंगे, तो 1 और 16 के लोगे तो क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे आ जाएगा 16 - 9, और फिर यहाँ पे LCM लेंगे तो 16 हो जाएगा, इधर हो गया 16 + 9 ये हो गया, और बराबर इसको हम फिर लेंगे LCM तो 25 हो जाएगा, तो 16 - 9 हो गया, यहाँ 16 से 16 कैंसिल हो गया और 16 में से 9 घटेगा 7 ये हो गया, और 16 9 25 बराबर 16 में से 9 घटेगा 7 और बटे 25, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तो देखने से पता चलता है कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो लिखते हैं हाँ ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ आंसर क्या होगा हाँ हाँ बराबर है, लिखते हैं हाँ LHS = RHS ये मेरा बराबर है। तो फ्रेंड्स ये मेरा 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब हम इसके बाद है ना अगले वीडियो में इसे 9, 10 और 11 वीडियो लाएंगे, तो फ्रेंड्स रहने देते हैं, और एक बात बता देना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तब तक के लिए फ्रेंड्स रहने देते, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।